हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए जुलाई 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायग्राम स्ट्रेंथ पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। तो फर्स्ट टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं एरीज आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं एरीज आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। और फर्स्ट हम अगर यहाँ टैरो डेक से देखें, ये यहाँ कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग डील कर रहे हैं किसी कैंसर स्क्रोपियो पाइसिस के साथ, यानी कर्क मीन और वृश्चिक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ इन राशियों के हैं। और यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं स्पेशली एरीज, उनके लिए इस तरह के पार्टनर आ सकते हैं जो इन राशियों के हों और काफ़ी क्रिएटिव होंगे, ये खूबसूरत होंगे और कप ऑफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई आपको लव प्रपोजल दे, इसके काफ़ी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं एरीज। और ये मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं और इन जनरल भी ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, कप्स एनर्जी के पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। और ये सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर, यूट्यूबर, ब्लॉगर हो सकते हैं और क्रिएटिव हैं, ये बहुत खूबसूरत होंगे और लविंग, केयरिंग और रोमांटिक पर्सन ये हो सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके पार्टनर भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, इस तरह का यहाँ लग रहा है। तो कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका आ सकता है, स्पेशली जुलाई के मंथ में इस तरह का लग रहा है कि एक रोमांटिक कनेक्शन बनने के काफ़ी चांस यहाँ दिख रहे हैं एरीज सभी के लिए, यहाँ ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऑलरेडी हैं कनेक्शन में तो वो थोड़ा रोमांटिक और लविंग केयरिंग वे में आप देखेंगे अपने लिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी ही रहेगी। यहाँ कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डेफिनेटली किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे भी राशियाँ वही आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाने वाला कार्ड है ये। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ लवर से भी मिल सकते हैं और ऐसा जुलाई मंथ में आपके लिए होने वाला है, तो आप अपने पास्ट लाइफ लवर से भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह की भी मैसेज और गाइडेंस आपके लिए आई है। तो सॉलमेट कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ दिख रहा है जुलाई मंथ के लिए, हाँ इस तरह का मैसेज है आपके लिए। और नेक्स्ट कार्ड आया है डेथ का, तो डेफिनेटली एरीज आपने काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, आपने एक कह सकते हैं एंडिंग को भी देखा हो सकता है। कुछ लोग अभी रिसेंटली सेपरेट हुए हैं एरीज, और कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या अभी किसी बहुत बड़े चेंज को आपने देखा जिस वजह से आप उस तरह के नहीं रहे जैसे पहले आप थे। तो आप काफ़ी मैच्योर वे में डील करने वाले हैं जुलाई के मंथ में, और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग डील कर रहे हैं किसी स्कॉर्पियो के साथ, यानी वृश्चिक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ में शुरुआत करने वाले हैं एरीज, इस तरह की एनर्जीज है। और यहाँ से कार्ड आया है आपके लिए टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली एरीज आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन को भी अभी फेस किया था, रीसेंट पास्ट हो सकता है। कुछ लोगों की करंट एनर्जीज भी ऐसी है कि आप बहुत दुख, परेशानी, चिंता, तनाव और मानसिक दुविधा वाली स्थिति में रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों ने आपको शायद तोड़ कर रख दिया, इस तरह का दुख आपने उठाया है रिश्तों में, स्पेशली लव लाइफ में ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही ख़राब एंडिंग को आपने देखा है अभी अभी, और आपका रिश्ता अगर किसी से चल भी रहा है तो शायद बहुत सारी मनमुटाव और अवसाद वाली स्थितियाँ आपने फेस की है, रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, आपके पार्टनर ने किसी तरह से आपको हर्ट किया हो सकता है। कुछ एरीज के लिए डेफिनेटली एक एंडिंग, सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट जैसा सिचुएशन आपने फेस किया है, सेपरेट हुए हैं आप और बातचीत बंद है और काफ़ी तकलीफ़ में हैं। और कुछ एरीज के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि फिज़िकल और मेंटल पेन से भी आप गुजर रहे हो सकते हैं, पर यहाँ आप देख रहे हैं बैक में सनराइज हो रहा है, तो ये एंडिंग जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को देखने में हेल्प करेगी। तो इस सिचुएशन से बाहर निकले फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लिखी है, यहाँ आप सन देख रहे हैं, तो एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं। जैसा डेथ का भी कार्ड था, तो डेथ के बाद एक नया जीवन स्टार्ट होता है, वैसे ही टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकल कर आप एक नई शुरुआत की तरफ जा सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दें और डिप्रेस ना रहें। और इस स्थिति से अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे प्रपोजल्स आपके लिए, एक नई शुरुआत डेफिनेट
डेफिनेटली आपके लिए होगी, पर हो सकता है कुछ ने अभी रिसेंटली बहुत दुख सहा है इस तरह का यहाँ लग रहा है। और कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ, यानी मिथुन तुला और कुंभ राशि के आपके पार्टनर हैं या थे, और उन्होंने काफ़ी परेशान किया हो सकता है, इस तरह की एनर्जीज है कुछ एरीज के लिए। अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी ख़राब स्थितियाँ आपने देखी है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ आपने देखी है, इस वजह से काफ़ी आप डिप्रेस्ड और कह सकते हैं बहुत पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन से आप बाहर कर निकल कर आए हैं, स्पेशली जुलाई के पहले तक आप इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एज ऑफ वॉन्स, तो ऐसा लग रहा है एरीज आपको यह पेन जो मिला है अभी उससे आप काफ़ी बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। जुलाई के स्पेशली सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे और पैशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और आपके लिए एक नया प्रपोजल भी आ सकता है, जो एरीज लियो सैजिटेरियस हो यानी मेष राशि सिंह राशि धनु राशि के पार्टनर आपके लिए आ सकते हैं स्पेशली जुलाई के मंथ में, और ये काफ़ी पैशनेट होंगे, आपको कैरियर में हेल्प करेंगे, इनका काफ़ी सपोर्ट सिस्टम रहेगा और बहुत ही खूबसूरत हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और गुड लुकिंग पार्टनर आपको मिल सकते हैं या इनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी, और ये फ्रेंडशिप आपको इस दुख से परेशानी से बाहर निकलने में हेल्प करेगी, हील करेगी, और ये काफ़ी सपोर्टिव पर्सन होंगे और एक फ्रेंड के तौर पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। तो एरीज आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छी फ्रेंडशिप आ रही है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी पास्ट हर्ट से बाहर निकलने में, इस तरह का यहाँ लग रहा है सभी एरीज के लिए। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है इज ऑफ सॉर्ड्स का, तो कुछ लोगों के लिए इस तरह का भी हो सकता है कि आप रिश्तों में फिर से नई स्टार्टिंग करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड माना जाता है सॉर्ड्स एनर्जी का कार्ड, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं या एक न्यू स्टार्टिंग हो सकती है। जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है या बिल्कुल बातचीत बंद है, या जैसा आप में से कुछ लोग अभी रिसेंटली सेपरेट हुए हैं, तो आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है, आपके पार्टनर का मन करेगा आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं या काफ़ी टाइम से आपने बात नहीं की है, तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं रिश्ता, अगर आप चाहते हैं कि एंडिंग ना करें और फिर से एक स्टार्टिंग दें, तो ऐसा भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आए इस तरह के भी यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, और इसी तरह का मैसेज आया है तो रिकनेक्ट होने के भी चांसेस हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ एनर्जी ओरेकल डेक से कार्ड देखें तो कार्ड आया है डोर टू रोमांस, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लिए रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं। 33 नंबर आया है मास्टर नंबर, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बैठकर कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और उसी वजह से रिश्ता फिर से एक रोमांटिक स्टार्टिंग की तरफ जा सकता है। और यहाँ से कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप के लिए खड़े हो सकेंगे, और यहाँ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी करेज आपको फिर से मिलने वाली है। कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी लियो के साथ, या एक नई फ्रेंडशिप आपको ऑफर हो सकती है सिंह राशि के लोगों की तरफ से, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स आई है, तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और काफ़ी कॉन्फिडेंट आप अपने आप को फील करने वाले हैं जुलाई के मंथ में एरीज। नेक्स्ट कार्ड आया है डिसिट का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है एरीज आपको कुछ लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, जो दोहरे लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सा बच कर रहना है, इस तरह की भी गाइडेंस आई है, जो सामने कुछ हैं पीछे से कुछ और हैं, तो हिडन जो कह सकते हैं आपके इस तरह के लोग जिन पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, उनके सामने ज़्यादा ओपन अप ना रहें, इस तरह की भी गाइडेंस आई है, क्योंकि ये काफ़ी लोग आपसे जेलस करने वाले हो सकते हैं, उनकी जेलसी इनसिक्योरिटी भी यहाँ आई है, तो कुछ लोग आपसे थोड़ा जलते हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। हो सकता है आपकी लव लाइफ या आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो पर्सोना है, उससे भी काफ़ी लोगों को चिढ़ है, तो इस तरह की भी एनर्जीज है, वो आपका अच्छा नहीं चाहते पर प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, तो इस तरह की भी गाइडेंस है। पर यहाँ आपके लिए 25 नंबर है, 2+5=7 है, तो आप डिवाइनली गाइडेड और ब्लेस्ड हैं, तो इनकी जेलेसी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी रिश्ते में आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है केयरिंग कनेक्शन का, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक लविंग केयरिंग और रोमांटिक पर्सन आपके लिए आ सकते हैं एरीज, जो काफ़ी खूबसूरत और आप ही के कंपैटिबल होने वाले हैं। अगर ये बॉय होंगे तो ये काफ़ी हैंडसम होने वाले हैं, और अगर ये गर्ल होंगी तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल होंगी, और काफ़ी केयरिंग टाइप का कनेक्शन आप अपने लिए फील कर पाएंगे, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी काफ़ी लवी डवी मूवमेंट्स आ रहे हैं, जैसा रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं वाले हैं, पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं, इनके हाथ में बुके हैं, तो लाइफ की छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढने वाले हैं कपल्स, इस तरह का यहाँ लग रहा है। और 14 नंबर आया है, तो 14 वो डेट हो सकती है जब आप फिर से इनसे रिकनेक्ट हो, 14th को आपके लिए इस तरह का अपॉर्चुनिटी आ सकता है कि आप किसी कनेक्शन में जाएं या आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो,
और यहाँ ओशो जैन कार्ड से आपके लिए आया है द सोर्स का कार्ड, तो डेफिनेटली ये सन को रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिविटी से आप दूर हो जाएंगे किसी तरह से। अगर आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होगी जुलाई के मंथ में। आप पुरानी परेशानियों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसा आपके लिए कार्ड आया है शेयरिंग का, तो काफ़ी लविंग केयरिंग और नर्चरिंग आपकी एनर्जीज रहेगी। काफ़ी कुछ आप ऑफर करने वाले हैं अपने पार्टनर को, और आपका वीनस बहुत पावरफुल रहेगा एरीज। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्यूटी, आपकी लविंग और केयरिंग नेचर से काफ़ी लोगों को आप इम्प्रेस करने वाले हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं। काफ़ी नेम फेम के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर भी बनाएगी किसी तरह से, तो काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ऐसा लग रहा है एरीज। और यहाँ से कार्ड आया है स्ट्रेस का, तो हो सकता है कुछ एरीज जो हैं काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ अभी बिता कर आए हैं। काफ़ी ओवर बर्डन और वर्क बर्डन आपके साथ रहा है, और कुछ लोग जुलाई के मंथ में भी थोड़ा वर्कलोड और वर्क प्रेशर फील कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। पर यहाँ नंबर 7 आया है, 7 7 आपके लिए आ चुका है। जैसा 25 वहाँ से भी था, 2+5 7, यहाँ से भी 7, तो डिवाइनली गाइडेड और ब्लेस्ड हैं। धर्म अध्यात्म से जुड़े रहें फ्रेंड्स, आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ से आया है सक्सेस, तो डेफिनेटली एरीज आपके लिए सक्सेस लिखी है, लव लाइफ में सक्सेस लिखी है। यानी कितने भी स्ट्रगल्स हों, नो कॉन्टेक्ट हो या सेपरेटेड अगर आप हुए हैं, तो लाइफ में एक न्यू सक्सेस आप अचीव करने वाले हैं जुलाई में किसी तरह से। के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है, और ये सबके लिए डिफर कर सकता है, पर सक्सेस सभी एरीज के लिए लिखी है। तो सफलता आपको लव लाइफ में डेफिनेटली मिलेगी, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो सकता है, या आपकी जो हार्ट डिज़ायर है वो किसी तरह से पूरी हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ से कार्ड आया है फेरी टैरो डेक से, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग आपकी लाइफ में आ सकते हैं एरीज, जो काफ़ी चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट और रेस्टलेस हो सकते हैं। और यहाँ जो मैसेज आया है, इमीडिएट एक्शन ए चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप। डेफिनेटली एरीज, काफ़ी एरीज के लिए ऐसा लग रहा है कि एक लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत और पैशनेट पर्सन होंगे। आप इन्हें वर्क के थ्रू मिलें, इसके काफ़ी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ ऑटोमन का कार्ड है, जेनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस और प्रैक्टिकल। इस तरह के भी पार्टनर आपको मिल सकते हैं, इस तरह के भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो काफ़ी स्टाइल सेंस रखते हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ही डेलिकेट टाइप के पर्सन होने वाले हैं। और जो मैसेज है, बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनी थिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग सम वन हु कैन हेल्प योर ड्रीम कम ट्रू। जी, ये जो आपको पार्टनर मिलेंगे स्पेशली जुलाई के मंथ में, वो आपको आपके करियर में भी किसी तरह से हेल्प करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि वर्क प्लेस वाला लव आपके लिए स्टार्ट हो सकता है, और कुछ लोग ऑलरेडी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं, बहुत सपोर्टिव उनका अप्रोच रहेगा जुलाई के मंथ में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ ऑटोमन का, और जो मैसेज है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, प्रिडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। जी, आपके लिए यहाँ फेरीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रखते हैं और चिंता नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो आपको सक्सेस दिलाएगी, और ये आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि आप प्लान करें लाइफ को, ताकि आप अपने कैरियर में भी बहुत सारी ग्रोथ पा सकें। इस तरह का मैसेज है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ समर का, बींग डिस्ट्रैक्ट एंड फेलिंग टू सी ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। हो सकता है एरीज आपने किसी को रिजेक्ट किया है, या कर रहे हैं, या जुलाई के मंथ में भी इस तरह की एनर्जीज है कि अभी आप किसी पे ध्यान नहीं देखना चाहते। यहाँ आप देख रहे हैं कोई चाइल्ड लाइक लव करने वाला आपके लिए आ सकता है, पर आप शायद अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर आपका रह सकता है एरीज, और यहाँ आपको फेरीज कह रहे हैं कि शायद हो सकता है अभी आप इस सिचुएशन में नहीं है कि किसी की तरफ ध्यान दें, पर जो भी अपॉर्चुनिटी या न्यू प्रपोजल आपके लिए आता है, उसको आप अगर कंसीडर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह का भी मैसेज है। तो किसी के लव को बहुत जल्दी रिजेक्ट ना करें, थोड़ा सा टाइम लें आप उस इंसान पे, ताकि आप सही और गलत के लिए डिसीजन ले सकें। इस तरह का भी हम मैसेज और गाइडेंस आई है। वहीं हम देख रहे हैं एरीज, जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, उनका जॉडिक साइन क्या होगा, और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट अगर हम उनका जेडिक साइन देखें, जो आपसे जुड़ सकते हैं स्पेशली जुलाई के मंथ में, जैमिनी हो सकते हैं ये, मिथुन राशि के, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मकर राशि के, कुछ लोगों के लिए लियो भी हो सकते हैं, सिंह राशि के, वर्गो भी हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, जिनसे आप कनेक्ट हों।
पाइसिस भी हो सकते हैं, मीन राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बने। और अगर हम उनके इनिशियल्स देखें तो जे नाम से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ लोगों के लिए बी, पी, टी आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, इनसे एम, एच या आई, ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन इन नाम वाले लोगों के साथ बन सकता है जुलाई के मंथ में। और वहीं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देंगे इस मंथ के लिए, ये भी हम देख रहे हैं। द वे यू वॉक टॉक स्माइल मेल्ट माई हार्ट, जिस तरह से आप चलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, आपके पार्टनर को ये सब बहुत अच्छा लगता है आप में, इस तरह का मैसेज है। नेवर लीव यू अलोन, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, वो आपके साथ ही बहुत कम्फर्टेबल फील करते हैं, इस तरह का मैसेज है। आई फील वेरी वीक एंड एक्सपोज, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी कमज़ोर और एक्सपोज फील कर रहे हैं। और आई थिंक यू डिज़र्व मोर लव एंड रिस्पेक्ट, आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत डिज़र्व करते हैं। और आई चेक योर सोशल मीडिया ऑल द टाइम, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, ये भी मैसेज है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, प्लीज स्टे, आई वॉन्ट टू फील हाउ फॉर एवर फील्स, जी वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, इस तरह का मैसेज है। एक मैसेज और ले रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल डे एंड डोंट डाउट माई लव, जी आप वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार पे शक ना करें। होल्डिंग योर हैंड इज़ द मोस्ट एब्सेंट फीलिंग इन द वर्ल्ड, जी आपका साथ उन्हें बहुत भाता है। यही सब मैसेजेस थे आपके लिए और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ हैप्पी मंथ एरीज़।